शुरू किया जाए तो एक आग्रह है जिनको प्रश्न करना है हाँ जी तो माइक लेके हाँ आ जाइए थोड़ा ये कैमरे के लिए ठीक रहेगा मेरा आपसे ही क्वेश्चन है सिर्फ वो सब तो मुझसे ही होगा आज <laughs> लेकिन इनका आग्रह था कि ऐसे घुमाते कैमरा तो फोकस नहीं मिलता है वो तो अगर इधर आ जाए या नजदीक आ जाए हेलो नजदीक आने से होगा कोई कंफ्यूजन पे बता रहे थे आप बोल रहे थे जैसे उनको बता रहे दिशा मैम ने बोला था कि ना जब मेरा ये कुछ निशाना चूक गया था तब आपने बोला था निशाना चूकना नहीं चाहिए अगर आपका निशाना चूक गया तो सामने वाला आपको मार देगा तो क्या ये सही है कि सामने वाले के मतलब सामने वाला अपन को मार देगा इस डर से अपन उसको मार दे क्या ये सही है ये युद्ध की बात कर रहे थे आप कुछ और कर रहे हैं युद्ध का ही कर रहे हैं युद्ध के मतलब अभी वो युद्ध भी तो एक गलत चीज है ना कि हम उसके डर से कि वो अपन पे जीत नहीं हासिल कर ले अपन पे राज नहीं कर ले इस चक्कर में हम उन्हें हरा रहे हैं वो अपन को हरा रहे हैं सब में एक ही एक ही ही थॉट प्रोसेस के कारण हम युद्ध भी कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है एक तरह से फिर और इस अगर ये गलत भैया युद्ध के मैदान में दर्शन एक ही बार चला था उसमें गीता कही गई थी लेकिन उसके बाद फिर युद्ध ही हुआ था तो युद्ध के मैदान में दर्शन चल नहीं पाता है ठीक है अगर सब सही तरीके से सोचने लगेंगे तो बस इसलिए शिक्षा में ये आ जाए कि आगे युद्ध हो ही ना उसके लिए हम काम कर रहे हैं तो जब तक शिक्षा में भी ना ये जरूरी थोड़ी कि हम बोल रहे हमें मानना चाहिए कि युद्ध करना चाहिए तब तक भी कि ये गलत तो मतलब... क्या करेंगे मान लीजिए युद्ध अगर मान लीजिए यहाँ अपने देश में सीमा सुरक्षा बल सीमाओं पर ना लगी हो तो फिर हम तो ये शिविर भी नहीं कर पाएंगे फिलहाल क्यों

पड़ोसी देश हमारे जितने भी हैं वो सीमा पे फोर्स लगाए हैं हथियार भी तैनात किए हैं ठीक है अब ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए अब चीजों को सुधारना चाहिए तो वो तो कर ही रहे हैं शिक्षा में इसको लाया जाए दूसरे देश में भी लाया जाएगा आगे चल के कि वो भी उनका भी माइंडसेट ठीक हो हमारा भी माइंडसेट ठीक हो लेकिन आज अगर हम अपनी सीमा का ध्यान इस पे ला देंगे तो फिर तो वो घुस के रात समन तक खत्म कर देंगे फिर हम बात क्या करेंगे अभी फिलहाल वो एक इमरजेंसी नीड कह लीजिए वो इमरजेंसी नीड है यानी जब तक हम इस चीज जब तक हमें वो समझ नहीं आती तब तक हमें ये करना पड़ेगा ये मजबूरी एक डेढ़ लाख साल से हम कर रहे हैं इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है आदमी को इस धरती पे आए हुए एक से डेढ़ लाख साल हो गया एक से डेढ़ लाख साल तक हम जो है कबीला युग से राजा युग राजा युग से लोकतंत्र का एक बना तो दिए कि लोकतंत्र है लेकिन लोकतंत्र में भी हम चुन तो देते हैं प्रतिनिधि लेकिन कोई प्रतिनिधि हमसे पूछ के फिर काम नहीं करता फिर वो प्रतिनिधि अपने अनुसार ही करता है तो वो भी एक तरह से राजा युग ही है तो राजा युग का ही बदला हुआ रूप लोकतंत्र है तो अभी हम इस क्रम से बढ़ते चले आए हैं ठीक है तो हो सकता है आगे चल कर के मानवकृत कोई व्यवस्था बन जाए धरती पर ऐसी व्यवस्था बन जाए जिसमें शासन की जरूरत ही ना पड़े जिसमें किसी सेना की किसी युद्ध की आवश्यकता ही ना पड़े ऐसे क्योंकि युद्ध किसी को नहीं चाहिए एक भी मानव को लड़ाई झगड़ा युद्ध स्वीकार नहीं है लेकिन बस अपनी नासमझी बस दूसरे की नासमझी बस युद्ध में रथ है अपराध में रथ किसी मानव को अपराध स्वीकार नहीं है लेकिन अपराध में रथ है किसी बस किसी बस किसी बस ठीक है तो उनका जो कहना था कि हम जो है निशाना लगा रहे थे तो उस समय निशाना लगाने का ट्रेनिंग चल रहा था उसी समय इनको कुछ ध्यान आ गया और निशाना चुक गया तो वो जो स्किल थी वो स्किल पे उस समय फोकस करिए ना <laughs> कहने का ये था नहीं तो आप यहां भी निशाना सही नहीं लगा पाएंगे बात कुछ कही जाएगी आप सोचने कुछ लगेंगे ये मिस हो जाएगा इसलिए जो काम जब हो रहा है उस समय पूरी योग्यता पूरी क्षमता लगा दीजिए उसको समझने निपटने में और मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये मतलब ये था कि जैसे आपने ये साइकिल को समझाया था ये पूरा साइकिल है पर आपने पदार्थ के बीच में पेड़ पौधों के बीच में पशु पक्षी के बीच में तो इस साइकिल के अंदर मानव का होना जरूरी है क्या क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है अगर मानव नहीं रहा तो भी ये साइकिल चलेगा लेकिन इन तीनों के में कोई कुछ नहीं रहा तो ये साइकिल खत्म हो सकता है तो मानव नहीं रहा तो ये साइकिल चलेगा लेकिन मानव है ना तो इस साइकिल में हमें ये मतलब ये साइकिल बनाना जरूरी है कि मानव के से मतलब मानव उन तीनों से अलग है ऐसा आप कह रहे हैं इस साइकिल में मानव को ना रखा जाए इस साइकिल में शायद मानव नहीं है लेकिन मानव को तो ये तीनों चाहिए फिर है कैसे नहीं पदार्थ के बिना चलेगा मानव का पेड़ पौधों के बिना चलेगा पशु पक्षी के बिना चलेगा नहीं चलेगा अब मानव को जो आप कह रहे हैं वहां जो मेरा ध्यान जा रहा है कि मानव को उन सब चीजों की जरूरत है लेकिन मानव की जरूरत उन सबको नहीं है ठीक है लेकिन मानव उन सबों की उन सब चीजों की जरूरत को जो उन मानव को उन सब चीजों की जरूरत है लेकिन मानव ना समझी बस गलत शिक्षा संस्कार बस उन सब चीजों को बर्बाद भी करने में लगा है तो अगर साइकिल से हटा भी देंगे तो भी तो उसको जरूरत है बर्बाद करेगा ही तब भी इसलिए साइकिल में रख करके अगर देखते हैं क्योंकि मानव एक ये जो संपूर्ण धरती है ये एक व्यवस्था है एक धरती को अगर देखते हैं तो एक धरती एक व्यवस्था है इस धरती पे पदार्थ भी है पेड़ पौधे भी हैं जीव जन पशु पशु पक्षी भी हैं और आदमी भी है आदमी आदमी से अलग अभी कोई और पांचवी इकाई धरती पे देखी नहीं गई है पाई नहीं गई है ये चार ही इकाइयां चार ही प्रकार की इकाइयां धरती पे पाई गई हैं तो अगर एक धरती पे चार प्रकार की इकाइयां पाई गई हैं और चारों एक दूसरे पर निर्भर हैं तो फिर साइकिल में है ही हम हटाएं चाहे ना हटाए अभी तक तो मानव यही कोशिश किया है हटाने के लिए कि हम मानव को बोलते हैं ह्यूमन इज ए मोस्ट सिविलाइज्ड एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स मानव जो है सबसे ज्यादा सभ्य सब इकाई है यूनिवर्स का ब्रह्मांड का और एक भी सभ्यता अभी तक प्रमाण नहीं आया अभी तो डेंजरस क्रिएशन इसीलिए क्योंकि हम उसको अलग रख के देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं वही है कि मानव को हम अलग रख के देख रहे हैं मानव को लग रहा है ये सब हमारे उपभोग के लिए है ये हमसे जुड़ी थोड़ी है हमसे इससे क्या मतलब है ये हमारे उपयोग के लिए है तो वही तो जोड़ के नहीं देख पा रहा है तो अगर ऐसी सभा में भी हम उसको अलग ही करके देखेंगे तो फिर तो हम वही कर रहे हैं वो अलग है नहीं वो जुड़ा ही हुआ है क्योंकि देखिए एक के बाद एक धरती पे प्रकटन है साइंस भी बोलता है कि सबसे पहले क्या हुआ हो आप बैठ जाइए ना हो तो वहीं बैठ जाइए सबसे पहले क्या हुआ कि यह धरती किसी विधि से ठोस हुई कोई विधा बोलती है कि धरती पहले गर्म थी फिर ठंडी हुई कोई बोलते हैं कि धरती ब्रह्मांड में बिखरी हुई थी किसी आकर्षण वश वो सारे इकट्ठा होकर के एक पिंड रूप में आ गए जिस भी विधि से हो यह धरती इस ब्रह्मांड में एक धरती बनी फिर उस धरती पे क्या हुआ केवल और केवल पदार्थ थे और कुछ नहीं था तभी किसी संयोगवश रासायनिक संयोग बस किसी ब्रह्मांडी किरणों के प्रभाव बस जो जो भौतिक पदार्थ थे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में थे किसी ब्राह्मणी ब्रह्मांडी किरणों के प्रभाव से ताप दाब के प्रभाव से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलने शुरू हो गए उसके कारण भाप बन गया बादल बन गए जब बादल बन गया तो क्या हो गया कि बादल जब बने और हवा चली तो बादल फिर बरस गए उनके बरसने के बाद धरती पे पर गड्ढे भी थे उबड़ खाबड़ धरती है गड्ढे थे उन गड्ढों में वो पानी भर गया वो पानी लाखों साल तक भरा रहा फिर वो जो पानी गड्ढों में भरा और जो गड्ढों की दीवार थी उनके बीच में कोई रासायनिक क्रिया हुई उनमें एमिनो एसिड वगैरह बने और प्रोटीन कैसे आया और उसमें सेल बन गया कोशिका बन गई तो पहले मोनोसेल्युलर स्ट्रक्चर बना जिसको हम एलगी बोलते हैं जिसको हम काई बोलते हैं काई बना फिर वो काई से फिर मल्टीप्लाई होते धीरे 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 पूरा बोटेनिकल जो अपना वेजिटेशन है ये पूरा का पूरा इतने सारे प्रकार के कब तक ये शोध होता रहता है जब तक बीज विधि से वो नियंत्रित होना शुरू नहीं हो जाता है, वो सब आगे अध्ययन में आएगा वो बना उसके बाद जब इनके डालियां पत्तियां सड़ी गली तो इससे कीट पतंगे भुनगे पैदा हुए छोटे छोटे जो कीट हैं वो पैदा हुए इंसेक्ट जिनको बोलते हैं वो पैदा हो गए उससे जो है एक अलग प्रकार की रचना हुई जो कि मूव भी कर सकती है फिर धीरे 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 करके वो इवाल्व होकर के जीव जंतु धरती पर आए और सबसे अंत में मानव भी इस धरती पर उसी जीव जंतु बनने के क्रम में मानव शरीर भी इस धरती पर बना जिस विधि बना तमाम प्रकार की विधियां बताई हैं उनमें से कोई एक विधि लेके चलिए मानव बन गया मानव अब इस धरती पर सच्चाई है तो विकास क्रम देखेंगे तो एक के बाद एक है तो जुड़ा कैसे नहीं है पूरा जुड़ा ही हुआ है अलग कैसे करके देख पाएंगे अलग करके देखेंगे इसका मतलब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि एक साथ देख पाएंगे तो ही सृष्टि जैसी है वैसी हमारी दृष्टि है तभी मानव को समझ पाएंगे क्योंकि हर इकाई वातावरण सहित है मानव जब है तो मानव अपने वातावरण सहित है यानी पेड़ पौधे हवा मिट्टी पानी और मानव जीव जंतु ये सब जो उसके चारों तरफ है उसके सहित मानव है मानव के एक भी मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने का प्रभाव हवा से लेकर के हर चीजों पे पड़ रहा है मानव के एक भी गतिविधि का ऐसा नहीं है जिसका प्रभाव सब चीजों पे ना पड़ता हो फिर मानव अलग कैसे है उसमें जुड़ा ही हुआ है तर्क लगा के देखिए जितनी बातें मैं कह रहा हूं यह तर्क है आप भी तर्क लगा के देखिए अलग है कि नहीं है अलग करके देखा गया तभी तो सब कबाड़ा किया गया कि मैं तो अलग हूं सब भी इकाई हूं मैं तो सोशल एनिमल हूं और मैं तो एकदम अलग तरह का इकाई हूं ठीक है हालांकि साइंस ऐसा नहीं मानता साइंस तो एनिमल वर्ल्ड में ही मानव को रखता है जुलोजी में ही रखता है <laughs> ठीक है ये ये सही आप कह रहे हैं कि मानव अगर नहीं भी होता तो भी ये तीनों साइकिल चलती रहती क्योंकि इन तीनों के लिए मानव कोई अनिवार्य नहीं है लेकिन किसी धरती को पूर्ण होने के लिए चारों अवस्थाओं का होना जरूरी है तभी धरती पूर्ण होती है अब इसमें चारों अवस्थाओं को देखने गए तो तीन अवस्थाएं पूर्ण हो चुकी है। हैं व्यवस्था में है व्यवस्थित हैं मानव का पूर्ण होना शेष है क्यों शेष है क्योंकि मानव सबसे अंत में आया है तो उसको टाइम लग रहा है और क्या बात है <laughs> वो सब पहले से थे तो अपना व्यवस्थित हो चुके हैं मानव सबसे अंत में आया है तो उसको टाइम लग रहा है हो सकता है सौ दो सौ चार सौ साल बाद मानव ही व्यवस्थित हो जाए अभी तो लग रहा है कि वो व्यवस्थित होने की जगह इन तीनों को भी खत्म कर देगा खत्म कर देगा धरती खत्म हो जाएगी तो उससे क्या बिगड़ जाएगा जिस ब्रह्मांड में इतनी सारी धरतियां हैं एक धरती खत्म हो जाएगी लेकिन अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं ना कि शिक्षा विधि से मानव समझदार हो जाए तो प्रयास जारी रखा जाए खत्म होगी तो देखा जाएगा खत्म होगी तो हम आप कर ही क्या लेंगे <laughs> जो कर पा रहे हैं वो करना चाहिए ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है अभी भी इक्यावन प्रतिशत हर आदमी इक्यावन प्रतिशत अच्छा है और पूरी धरती के भी इक्यावन प्रतिशत आदमी ठीक है शुभ सोचते हैं तभी तो धरती बनी हुई है तभी तो ये परंपरा आगे बढ़ रही है तो इतना दुखी ना हो जाए सब शुभ होगा अच्छा होगा <laughs> जम के लगाइए आप युवाओं को तो मेरा दो प्रस्ताव है एक तो साल में दो बार मानव तीर्थ में यूथ कैंप लगते हैं तो आप लोग दस दिन का लगता है तो आप लोग वो यूथ कैंप करिए और आप पढ़ाई लिखाई जिस दिन आपको लगता है मेरी पढ़ाई अब पूरी हो गई है तो तुरंत जॉब में जाने के बजाय आप एक बार छः महीने का अध्ययन शिविर भी कर लीजिए फिर उसके बाद जवाब में जाइए तो आप एक और अच्छे एक मजबूत जिसको दमदार आदमी हो जाए कहते हैं दमदार आदमी होके जाएंगे मेरा ये प्रस्ताव है मानना नहीं है <laughs> हाँ जी बढ़िया अपना नाम भी बता दीजिए नमन जैन नमन जी ठीक है हाँ जी जिससे मेरा प्रश्न था कि मतलब पदार्थ अवस्था को आ, बाकी अवस्थाओं को देखे थे तो कुछ ले रहे हैं और कुछ दे भी रहे हैं मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधे और पदार्थ वाली जो है लेकिन अगर हम मानव को देखें कि रिटर्न एरो में पदार्थ को हम दे भी कह सकते हैं मेरे सोच में एक आंसर है कि मतलब ज्यादा कम ज़्यादा से हम जो कर सकते हैं वो यही कह सकते हैं कि पदार्थ का सही तरीके से उपयोग किया जाए इसके अलावा कर भी कह सकते हैं पदार्थ के लिए नहीं दे रहे हैं पदार्थ को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो दे ही रहे हैं ना वो पदार्थ ही तो है जब आप मूत्र कर रहे हैं वो पदार्थ को दे ही रहे हैं ना आपका शरीर जब डिसइंटीग्रेट होगा तो क्या चीज होगा उसमें से गैसें निकलेंगी जब शरीर मरता है तो उसमें से गैसें निकलती हैं वो पदार्थ ही है और शरीर जब सड़ गल जाता है या जल जाता है तो लास्ट में जो बचता वो भी पदार्थ ही है ठीक है सर लास्ट में सारी चीजें पदार्थ ही बनती हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाता है हम सांस ले रहे हैं तो हम पदार्थ से कुछ ले रहे हैं गैसे और कुछ छोड़ भी रहे हैं हाँ जी प्रश्न जी प्रस्टन तो जो सुविधा के लिए अपन ने सिविलाइज होने में जो एक डेढ़ साल एक डेढ़ लाख साल लगा है तो उसमें अपन ने सुविधा भी कैसे कर ली इंट्रोडक्शन ऑफ मनी कर लिया मीडिया कर लिया तो आप जैसे आप कैमरे बता, में, हाँ. जैसे आप बता रहे हो ना तो आइडिया आपने बताया वो सारा सच है पर ये मीडिया और ये जो पैसा है उसे ये जो अपन यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ जो जो भी रिसोर्सिस है वो कम करने की पोजीशन में अभी तो कुछ लग ही नहीं रहा है क्योंकि मनी आ गया अभी मैं जाऊंगा तो बाइक लेके ही जाना है ऐसा तो है नहीं कि पैदल जाएंगे अभी सब लोग चाय पी रहे तो कब बननी है कब बनेगी तो इंडस्ट्रीज लगेगी कूलर चाहिए तो ये सारी जो अपन की जितनी सुख सुविधा अपने को ये नेसेसिटी हो गई पहले भगवान ने बनाया था ना तब ये कोई नेसेसिटी थी नहीं उसमें बताया गया अपन भी तीस दिन भूखे रह सकते थे आराम से और धूप से भी कुछ नहीं होता था बारिश से भी कुछ नहीं होता था लेकिन अब क्या प्रोटेक्टेड हो गए घर बन गए ए बन गया हीटर बन गया अब ठंड में अपन रह ही नहीं सकते आप जीरो डिग्री में रहोगे तो अभी मर जाएंगे चार डिग्री में मर जाएंगे बाहर सो ही नहीं पाएंगे पहले अपन जो ह्यूमन एनिमल्स थे तब अपन रह पाते थे तो क्या अपन इतना पीछे जा पाएंगे नहीं पीछे जाने का तो यहाँ प्रस्ताव ही नहीं है तो फिर कैसे होगा ठीक हाँ। है अच्छा है। तो इसमें जो है जो सुविधा हमने की है वो सुविधा का जो तरीका है जैसे आखिर आज बिजली बनाने के तरीका हम बदले कि नहीं बदले हाँ जैसे पावर सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो हमने बदलाव किया अभी दूसरा बदलाव हम वहकिल सेक्टर में बहुत बड़ा करने जा रहे हैं सारी वहकिल लगभग हाइब्रिड या बैटरी चालित हम लाने जा रहे हैं ये पता नहीं की बाद में क्या प्रॉब्लम होगा जैसे एक वो ने बताया ना कि किए Seat, जो भी ने किया नहीं, तो उन्होंने का समर्थक नहीं व्हीकल नहीं, तो जो आ रही है कि हाइब्रिड सीट जो डेवलप की है तो लोग ने सोचा था कि भाई इससे खाना पूरा हो जाएगा पर उनकी नई समस्या आई कि भाई ये खाना ही बेकार है तो ऐसे ही इनकी भी कोई प्रॉब्लम आवे बाद में पता चलेगी अभी तो पता नहीं चल रही है जैसे टेलीफोन के टावर मोबाइल के लगे तो पता चल रहे कि इनके जो ध्वनि के क्या बोलते हैं रेडिएशन और दूसरे ध्वनि ध्वनि को भी डिस्टर्ब करते और नॉर्थ पोल साउथ पोल को भी डिस्टर्ब करते तो वो भी पता चल रहा है तो तो कहाँ कहाँ कहा हो रही है हाँ ठीक है तो देखिए ये सारी चीजें ये सारी चीजें हम दो में बैठ के चर्चा कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी और अन्य चीजें काफी आगे हो गई हैं तो आपका कहना यह है कि आगे अगर हम सोलर पैनल जो बना रहे हैं और सोलर से जो बिजली बना रहे हैं हो सकता है उसका भी कोई बाद में साइड इफेक्ट आ जाए ठीक है लेकिन अभी जो लगता है जो मतलब लेटेस्ट लेटेस्ट जो सारा शोध है कि बिजली जितनी दुनिया को चाहिए उससे ज्यादा आज हम बना पा रहे हैं आज के डेट में इसलिए बिजली अब कोई समस्या नहीं है बस उसके बनाने के तरीके में शोध होने की आवश्यकता है दूसरा जो आप कह रहे हैं जब मानव समझदार होगा तो अपने आप बहुत सी चीजें जैसे इतने सारे मोबाइल टावर की जरूरत ही क्यों पड़ेगी मानव समझदार होगा तो इतने ज्यादा यात्रा की जरूरत क्यों पड़ेगी मानव समझदार होगा तो इतने ज्यादा आहार की चीजों की ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई कश्मीर में सेब पैदा होता है उसकी तासीर गर्म होती है इसलिए वो ठंडे जगह पैदा होता है केरल में नारियल पानी होता है क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है इसलिए गर्म जगह होता है ह्यूमिडिटी वाले जगह पर होता है अभी तो ट्रक में भर के नारियल पानी कश्मीर जाता है बिकने के लिए वहाँ के लोगों को बीमार करता है और कश्मीर का सेब ट्रक में भर के केरल जाता है वहाँ के लोगों को बीमार करता है जिसकी तासीर गर्म है तो कुल मिला करके ये सारी चीज़ें मैं अपने गाँव में बैठ के एक बार लिस्ट बनवाया तो हमारे यहाँ पचपन तरह के फ्रूट पाए जाते हैं पचपन तरह के लेकिन जब भी फ्रूट का नाम लीजिए तो केवल सेब संतरा अंगूर ही आख के सामने आता है <laughs> जैसे ही बोलेंगे फ्रूट तुरंत सेब संतरा अंगूर ही दृश्य के रूप में आएगा तो ऐसा नहीं है अगर समझ पे काम हुआ तो शायद इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ही नहीं होगी चाहे मानव की चाहे लगेज की मतलब जो गुड्स है इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसलिए अपने आप ही फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगा अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो जाएगा अपने आप ही मोबाइल इतना बात ही क्यों करना रहेगा अभी तो फोन पे ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं इतने सारे टावर लगा दिए कर क्या रहे हैं उस पर भी झगड़ा ही कर रहे हैं तुमको देख लूंगा अच्छा ठीक है मैं भी देख लूंगा <laughs> आने दो फिर बताता हूं तो अभी भैया अभी हम अव्यवस्था के अंदर व्यवस्था का मॉडल नहीं देख सकते ये सही है लेकिन हम व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं कि आने वाले अभी क्या चीज करते हैं आप देख लीजिए यहाँ आपका घर है और इसके बगल में एक स्कूल है यहां किसी दूसरे भाई बहन का घर है और इसके बगल में भी एक स्कूल है ये स्कूल भी थोड़ा बहुत अच्छा खराब है ये स्कूल भी थोड़ा बहुत अच्छा खराब है ये घर वाला अपने बच्चे को यहाँ न पढ़ा के यहाँ पढ़ाता है और ये घर वाला अपने बच्चे को यहां न पढ़ा के यहां पढ़ाता है अब बस में भर क्यों क्योंकि बस में जाना है बच्चे को <laughs> यह भी बहुत बड़ा माइंडसेट है अब बस में भर के ये बच्चा यहां से यहाँ जाता है यहां से यहां आता है बेवजह का टाइम खराब होता है पोल्यूशन झेलता है और बस का फ्यूल जलता है वो भी पोल्यूशन करता है ये भी वही काम कर रहा है तो ये बेवकूफिया है ना तो जब हम समझदार हो जाएंगे तो ऐसी बेवकूफिया करेंगे ही नहीं फिर आपका उत्तर अपने आप ही हो जाएगा ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं देखिए यात्रा किस लिए होती है यात्रा शिक्षा के अर्थ में होती है यात्रा जो है सुविधा के अर्थ में होती है व्यापार के व्यवसाय के अर्थ में होती है अगर व्यवसाय लोकलाइज हो गया शिक्षा लोकलाइज हो गई तो बहुत सारी यात्रा अपने आप ही खत्म हो जाएगी अभी तो शिक्षा भी लोकलाइज नहीं है और व्यापार भी लोकलाइज नहीं है खाने के बारे में जितने भी शोध हैं वो यही कहते हैं खाना कौन सा अच्छा होता है जो रीजनल और सीजनल खाने के बारे में ही शोध है जिस रीजन में आप रहते हैं और जिस सीजन में जो पैदा होता है वही खाना अच्छा है लेकिन हमको तो पता नहीं कौन कौन से फूड चाहिए जो बाहर से जब आते हैं उनको मंगाना है पैकेज पैकेज फूड और ये फूड वो फूड तो ये सब ना समझिया है तो एक समझदारी आने के बाद जब आहार का प्रयोजन पता चल जाता है आहार किस लिए चाहिए शरीर के किस काम के लिए Hmm? जिंदा रहने के लिए जिंदा रहने में क्या क्या शरीर को लगता है तो एक तो शरीर श्रम करता है तो श्रम करे के, करने के लिए एनर्जी चाहिए तो आहार कौन सा है जिससे एनर्जी मिले दूसरा शरीर के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस का काम चलता है तो उसमें वाइटामिन मिनरल्स ये सब चाहिए तो आहार वो है जिसमें वो मिल जाए काम खत्म अब इसके बाद इतने लेकिन सुबह से शाम तक घर में आहार की चर्चा चल रही है और कुछ चर्चा ही नहीं चल रही है क्यों क्योंकि हमने मान लिया कि हम आहार से ही सुखी होंगे हमको लग गया हम आहार से सुखी होंगे और सुख कितना चाहिए असीम चाहिए तो आहार कितना चाहिए आहार थोड़ा सा चाहिए और उससे सुखी असीम होना है तो अगर किसी थोड़े से चीज से आपको असीम सुख चाहिए तो उसके लिए हमको वैरायटी में जाना पड़ जाता है आज पूड़ी खा लें कल पराठा खा लें फिर रोटी खा लें फिर कुछ और खा लें फिर पिज्जा खा लें फिर बर्गर खा लें फिर ये खा लें फिर वो खा लें शायद आज सुखी हो जाए शायद आज सुखी हो जाए इस कंपनी का खा लें उस रेस्टोरेंट का खा लें उस होटल में खा लें अभी तो हम आहार को आहार की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं ना आहार को सुख के स्रोत के रूप में देख रहे हैं इसलिए गड़बड़ हो रहा है जिस दिन हम आहार को इस रू, इस रूप में देखेंगे कि यह शरीर को एनर्जी और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए केवल सामग्री उपलब्ध कराने के रूप में आहार है तो जब उसकी जरूरत हो ले लिया उसके बाद उसकी चर्चा भी खत्म कर दिया लेकिन सुबेरे नाश्ते में क्या बनेगा रात में ही चर्चा हो जाती है आज सुबह नाश्ता में यह बनाओ नहीं मजा नहीं आया था इस बार थोड़ा अलग ढंग से बने अच्छा यह नाश्ता हो गया नाश्ता करते समय टेबल पे बात हो जाती दोपहर में सब्जी कौन सी बनेगी दोपहर में सब्जी जब खा लिया खाना पीना खा लिया अच्छा हो गया शाम को स्नैक्स क्या रहेगा चाय के साथ स्नैक हो गया रात को कौन सी सब्जी बनेगी नहीं नहीं उस दिन मशरूम ठीक ठीक नहीं था नहीं था थोड़ा कुछ अलग ढंग से देखो यूट्यूब पे देखो कोई अलग ढंग से बनाने का तरीका हो तो इसी में हमारी सारी चर्चा जा रही है जिसके लिए हमको बहुत कम समय लगाना था बाकी समय हमको ज्ञान चर्चा में लगाना था समझ की चर्चा में लगाना था घर के अंदर बैठ कर के हमको संवाद करना था विश्वास सम्मान कृतज्ञता मूल्य ये ज्ञान चर्चा चार चार अवस्थाओं में धरती पे जो है व्यवस्था है इन अवस्थाओं में आपस में पूरकता है मानव का पूरक होना शेष है मानव जो है ज्ञान परंपरा का चूंकि अवस्था की इकाई है शिक्षा संस्कार से ही पूरक हो पाएगा बाकी में निश्चितता पाई जाती है मानव में निश्चितता नहीं पाई जाती है ये सब चर्चा करने के लिए बाकी टाइम था हम वो सारी चर्चा या तो मोबाइल में या टेलीविजन में या भोजन कौन सा करना इसमें ही घुसाते चले जा रहे हैं कहाँ से उपलब्धि होगा इसलिए उपलब्धि नहीं हो रही हर घर के अंदर एक बोर्ड चाहिए इतना बड़ा किसी एक कमरे में चर्चा होनी चाहिए उसके लिए अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी घर में जो योग्यता बढ़ा लिया वो चर्चा करे नहीं बोर्ड है यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है देखिए लेकिन हमको टाइम ही नहीं पास होता बहुत से सारे लोग तो टीवी लगाए हैं केवल रिमोट बदलने के लिए खटाखट बदलते रहते हैं हाँ जी तुरंत तुरंत बदलते रहते हैं पता है नहीं चलता देख क्या रहे हो तो एक्चुअली देखना तो कुछ है नहीं <laughs> तो ये सब चीजों में अगर हम देखिए समय तो उतना ही है कहा भी जाता है विवेकानंद जी के पास भी उतना ही समय था गौतम बुद्ध के पास भी उतना ही समय था शंकराचार्य के पास भी उतना ही समय था किसी के पास फालतू समय नहीं था 24 घंटे ही सबके पास थे सबने उतने में ही जो उपलब्धियां की हैं की हैं हम भी उपलब्धि पाएंगे तो उतने में ही पाएंगे बस यही एक हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं श्रवण भाई मुझे याद नहीं आ रहा पर शायद आपने वहां हापुड़ वाले में तो कुछ एक वो नोएडा और गुड़गांव का सुनाया था ना हाँ नौकरी वाला हाँ तो वो बहुत बढ़िया था मैं तो एकदम उसमें हक्का रह गया कमाल का ये इसी से रिलेटेड है एक्चुअली वहां पे प्रेशर रहता है ना कि भाई मेट्रो चाहिए मेट्रो भी बिजली से ही तो चलती है बिजली तो कोयला जला के अभी बनाया जा रहा है तो अभी प्रदूषण हटाने के नाम पे प्रदूषण खत्म करने के नाम पे प्रदूषण शिफ्ट किया जा रहा है जैसे दिल्ली में बसें चलती थी तो उससे प्रदूषण होता था तो उसकी जगह मेट्रो आ गई अब मेट्रो किससे चलती है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है कोयला जला के कोयला कहाँ जलाया जा रहा है <laughs> कहीं दूर वहां वो पोल्यूशन कर रहा है तो दिल्ली में नहीं हो रहा है दूसरे जगह हो रहा है तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम देखेंगे तो हम पोल्यूशन कम नहीं कर रहे हैं पोल्यूशन को शिफ्ट कर रहे हैं तो क्यों इतना ज़्यादा मेट्रो चाहिए तो जैसे मैं जब गया दिल्ली में तो मेट्रो से ही चलता था तो लोगों से पूछता था कि भाई जैसे ही यमुना बैंक पे मेट्रो आती थी नोएडा वाले भर जाते थे यूथ और वैसे ही उधर से जब आते थे राजीव चौक पे तो वहाँ भी भर जाते थे तो हमने एक दो लोगों से पूछा कि आप कहाँ रहते हो बोले गुड़गांव हमने कहा जॉब कहाँ करते हो बोले नोएडा में किस कंपनी में फलाना कंपनी में अच्छा दूसरे से पूछा दूसरे दिन आप कहाँ रहते हो हम नोएडा रहते हैं जॉब कहाँ करते हो गुड़गांव में क्या क्वालिफिकेशन है फला है किस कंपनी में काम करते हो कंपनी में सेम काम है लेकिन नोएडा वाला मेट्रो में तीन घंटा लगा के गुड़गांव जा रहा है और गुड़गांव वाला तीन घंटा लगा के नोएडा आ रहा है काम वही है उसी तरह का दस पांच हजार ज्यादा होगा चाहे कम होगा इतना ही है पद थोड़ा सा कहीं बड़ा होगा कहीं छोटा होगा इतना ही है एक व्यक्ति के साथ तो इतनी बड़ी घटना घटी कि जिस कंपनी में वो है उस कंपनी में जो उनको प्रोफाइल मिल रही थी प्रमोशन में उसकी पोस्ट ही इंडिया में नहीं थी तो उनको ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट मिला आ, ऐसा होता है जो लोग सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं पता है उनको अगर उसका पोस्ट यहां नहीं है तो उनको पोस्टिंग ऑस्ट्रेलिया में दिया और उसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि एक साल के अंदर उनका उनकी पत्नी से ही संबंध विच्छेद हो गया और पद छोड़ के नहीं आ पाए कलेश हुआ झगड़ा हुआ तमाम कोर्ट कचहरी हुआ ऐसी ऐसी भी घटना है तो आदमी को पता ही नहीं हम चाहते क्या है उसको लगता है हम पद ही चाहते हैं तो थोड़ा बहुत पद ऊपर नीचे थोड़ा बहुत दस पांच हजार कम ज़्यादा आप नोएडा में घर में रहते आप नोएडा में जॉब करते आपका तीन घंटे बचता उस तीन घंटे में ऐसी कोई ज्ञान चर्चा करते लेकिन अब ये बताएगा भी कौन मैं भी तो उनको मेट्रो में कोई पूछा था बता थोड़ी पाया था कुछ नहीं तो वो सही है क्या वो जो आपने कहा कि या कहीं पड़ा ध्यान नहीं आ रहा मुझे नोएडा से लगभग रोज डेढ़ लाख लोग गुड़गांव जाते हैं नौकरी या व्यापार करने या कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसके संबंध को काम करने और लगभग इतने ही लोग उधर से इधर गुड़गांव से नोएडा आते हैं जी तो सुबह ऑफिस टाइम और शाम को ऑफिस टाइम पर ट्रैफिक जाम हो जाता है चाहे मेट्रो हो चाहे सड़क हो गाड़ी हो जी हाँ क्यों तो सब जगह जाम हो जाता है और अधिकांश लोग जो काम करने वहां जा रहे हैं वैसे ही काम करने इधर के लोग यहाँ आ रहे हैं कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा स्पेशलाइजेशन है स्किल का कि उनको जाना जरूरी है तो बिना वजह आदमी समझ नहीं पाया कि जिंदगी किसके लिए उसके चक्कर में छः घंटे तो आने जाने में इसी में निकाल रहा है और इसी चक्कर में सड़क को फोर लेन करो सिक्स लेन करो एट लेन करो टोल रोड बनाओ अलग रोड बनाओ बाईपास बनाओ दिल्ली का रिंग रोड बनाओ कभी मेट्रो और बढ़ाओ ऐसा ये सब चले जा रहा है बहुत सारे लोग तो इसलिए जाते हैं कि वो नोएडा में काम करेंगे तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता चला अच्छा नोएडा में करते हैं <laughs> <laughs> वो देखिए वो तो गुड़गांव में करते हैं खैर अब तो वो कंपनियां वो मामला ही खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे सबको वर्क फ्रॉम होम कर दिया इस समय कोरोना में उनको अच्छा टूल मिल गया ऑफिस के सारे खर्चे बच रहे हैं <laughs> वो उनका लफड़ा ही खत्म हो गया अच्छा ये भी स्टेटस सिंबल है क्या गुड़गांव में कोई जॉब करता है तो बड़ी बात है हाँ मतलब है आप आप राजसंबंध में रहते हैं और यहीं जॉब कर रहे हैं तो आप थोड़े बैकवर्ड माने जाएंगे ना राजसंबंध वाला भीलवाड़ा जाएगा तो अच्छा ये भीलवाड़ा जाते हैं <laughs> <laughs> देखिए यही मामला है यही सुबह से चर्चा हो रही है सब मामला माइंडसेट का ही है माइंडसेट ऐसा हो गया ऐसा बना दिया जा रहा है हा इसीलिए कई बार माँ बाप जो है ना बच्चे अगर अमेरिका में है तो उनका सीना थोड़ा चौड़ा ही रहता है यार बच्चे अमेरिका में चाहे वो रोज परेशान है अंदर का दुख नहीं बताते हैं केवल लोगों को बताया नहीं नहीं वो तो यूएस में है बाहर है पहले बोलेंगे बाहर है फिर करेंगे कहेंगे यूएस में है अंदर क्या चल रहा नहीं बताते हैं वो हम जैसे लोग जब कहीं सभा में देखिए ये सभा पारदर्शी सभा है ऐसी सभा में लोग ज्यादा समय तक जो है अपना छुपा नहीं पाते वो बोल ही देते हैं भले अकेले में जाके बोलें फिर अपना दुख बोलते हैं कितने दुखी हैं ठीक है, है देखिए पैसा अच्छा है आना चाहिए ठीक है पैसा रहना चाहिए लेकिन जब पता ही नहीं है कि कितना चाहिए कोई भी बैठ के कैलकुलेशन करता ही नहीं है कि हमको कितना पैसा चाहिए चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो जो दो हजार रुपये पर मंथ कमा रहा है उसको भी पता नहीं है कि उसको अधिकतम कितना चाहिए और जो दो करोड़ पर मंथ कमा रहा है उसको भी पता नहीं है कि उसको अधिकतम कितना चाहिए इसलिए भाग रहा है उड़ रहा है जैसे कोरोना जो फैला कोरोना क्यों फैला कोरोना तो जहाजों मुड़ के आया ना सब जगह गया हाँ जब से जब कोरोना ट्रैक हुआ चाइना में अगर उसी समय दुनिया का ट्रैफिक बंद कर दिया जाता या इतना उड़ने की परंपरा ना होती तो कोई भी वायरस तो लोकलाइज होता है ना वो तो एक निश्चित एरिया में खत्म हो जाता है उसकी आयु होती है लेकिन जब वो ट्रैक हुआ नवंबर 2019 में या दिसंबर में उसके बाद से लेकर जब तक उसने दुनिया को बताया तब तक तीस लाख लोग आना जाना कर चुके थे उड़ रहे हैं लोग दिन रात उड़ रहे हैं पता नहीं क्यों उड़ रहे हैं ठीक है अब उड़ते 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 उड़ा के सब जगह पहुंचा दिया तो ये जो भाग दौड़ मची हुई है भाग दौड़ मची हो रही है भागते रह रहे हैं भागते रह रहे हैं ये भी एक पता नहीं मतलब एक माइंड सेट ही है भागते रहना है बताना भी है मैं तो घर पे नहीं रहता हूं ये भी एक स्टेटस सिंबल हो गया सुनील भैया भी बाद में बोलेंगे नहीं मैं तो शिविर ही लगवाता रहता हूं घर कहां रहता हूं ज्यादा <laughs> तो आप भी आगे स्टेटस सिंबल बनाइए कि हम तो कभी राजसंबंध कभी कहां कहां चुरू और कहां कहां अलग अलग नाथ द्वारा तो देखिए ये ज्ञान की यात्रा है इसके लिए इतने लोगों को इकट्ठा करना इतने लोगों को व्यवस्था देना मेरा समय लेना और मतलब ये ऑर्गेनाइज करना कितना कठिन काम है एक शिविर ऑर्गेनाइज करना कितना कठिन काम है देखिए ना कितनी चीजें लगी हैं फिर नीचे किचन में लगातार कुछ लोग काम कर रहे हैं इतने लोग यहां बैठे हैं इतने लोग कैसे कैसे आए होंगे क्योंकि आदमी अपना कंफर्ट जोन छोड़ता नहीं है आप अपने कंफर्ट जोन में थे ना लेकिन छोड़ छोड़ के आए हैं तो आपके पीछे कितना पड़ा गया होगा तब आए हैं कि नहीं नहीं, आपने मुझे उस दिन सोचने को मजबूर कर दिया तीन लाख लोग बिना सोचने 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 के नहीं सोचने के के नहीं कारण सड़क पर रहते हैं फिर कोई टू व्हीलर खरीदला है टू व्हीलर वालों को फोर व्हीलर चाहिए पोल्यूशन बचने के लिए इसके चक्कर में बिना वजह बहुत कुछ चीजें तो नहीं सोचने के कारण दुनिया में हो रही है जी अगर जैसा अगले चार दिनों वह बताने वाले कि मनुष्य की, की आवश्यकता क्या है शरीर की और मन की तो पता पड़ेगा वास्तव में ज़्यादा ही दौड़ रहे हैं अभी तो, है। तो सब अभी रोमांच आने वाला है अभी तो आज तो शुरू हुआ अभी है। तो पार्टी शुरू हुई है ठीक <laughs> है तो कंफर्ट जोन में जैसे एक जगह शिविर में थे हम लोग तो कोई व्यक्ति बार बार फोन लेके बाहर जा रहे थे बात करने तो पूछा कि भाई क्या बात है घर से कोई फोन हाँ घर से फोन था हमने कहा क्यों परेशान है बता दीजिए उनकी समस्या तो अब यहाँ आ गई है <laughs> तो चलिए तो एक तो ये जो एक तो आप ये देखेंगे जो पेड़ पौधे हैं ये पूरी तरह लोकलाइज्ड होते हैं ये जहां पर उगेंगे अगर वहां अनुकूलता है वहां का क्लाइमेट वहां की मिट्टी हाँ जी नमस्कार नमस्ते अरे तकिया में कुछ नहीं है इधर है <laughs> <laughs> तो पेड़ पौधे जहां उगते हैं वहां अगर अनुकूलता है हवा है मिट्टी है पानी है क्लाइमेट है तो ये सर्वाइव करेंगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते लेकिन पशु पक्षी में देखेंगे तो इनके जहां पर ये पैदा हुए हैं अगर यहां इनके खाने पीने का जुगाड़ नहीं है तो ये मूव भी कर जाते हैं कई कई हजार किलोमीटर पक्षी उड़ उड़ के इसमें भी आते होंगे बाहर के ठीक है उड़ के आ जाते हैं घूमते रहते हैं क्यों क्योंकि ये जिंदा स्वयं को जिंदा बनाए रखने के लिए श्रम करना इनको पसंद है पशु पक्षियों को खुद को जिंदा बनाए रखने के लिए श्रम करना इनको पसंद है इसलिए ये चलते रहते हैं खाने पीने के जुगाड़ में घूमते रहते हैं ये जिंदा बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करते मिल गया तो ठीक है नहीं तो खत्म अगर वहां का मिट्टी पानी हवा ये सब सपोर्ट किया तो ठीक है नहीं तो सूख जाएंगे उससे आगे कुछ नहीं करते लेकिन पशु पक्षी जैसा है वैसा ही खा लेते हैं जैसी घास है वैसा खा लिया जैसा फल है वैसा खा लिया जैसी पत्तियां वैसा खा लिया आदमी भी अपने को <coughs> हाँ ये जगह बदल देते हैं आदमी जहां पर होता है वो उस जगह को ही अपने अनुकूल बना लेता है इसके अंदर ये ताकत है पशु पक्षी में वो ताकत नहीं है मानव में वो ताकत है कि जहां रहता है उस जगह को ही अपने अनुकूल बना लेता है और पशु पक्षी जैसा है वैसा ही खाते हैं मानव जैसा है वैसा खाता ही नहीं है कैसा खाएगा तो मीठे को खट्टा बना के खाएगा खट्टे को मीठा बना के खाएगा जैसे आंवले का मुरब्बा बना के खाएगा मीठा करके ठीक है मीठे को खट्टा बना के खाएगा कोई मीठी चीज है उसको खट्टा बनाएगा नमकीन बना के खाएगा नमकीन को अब दूध मीठी चीज होती है उसको फाड़ दिया पनीर बना लिया और पनीर को तेल मसाले में भून के खा रहा है बढ़िया <laughs> क्यों क्योंकि ये सुख के अर्थ में हर चीजों को तलाशता है देखिए यहां यहां आपको लिंक इसलिए करना चाहते हैं ये केवल जिंदा रहने के लिए ही प्रयास करता रहता है प्रयास करता रहता है उसके आगे इसका कोई कार्यक्रम नहीं है किसका पशु पक्षियों का आदमी जिंदा रहने से आगे की सोचता है यह सुख के अर्थ में हर चीज को देखता है भोजन सुख के अर्थ में करता है उसको टेस्टी बनाता है कपड़े को रंग करता है डिजाइन करता है कि कोई देखे कहे वाह क्या कपड़ा है कहां से खरीदे हो तो वो सुनना चाहता है हाँ तो ये सम्मान चाहता है सुख चाहता है उसके अर्थ में सब चीज करता हुआ पाया गया है केवल जिंदा रहने के लिए ही नहीं पाया गया है और अगर धरती पर व्यवस्था को देखेंगे जैसे अभी कह रहे थे निशांत क्या नाम था नमन नमन हाँ तो आप देखेंगे तो धरती पर सबसे ज्यादा पदार्थ हैं सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा पदार्थ है इनसे बहुत कम चूंकि बोर्ड का एक सीमा है इसलिए हम थोड़ा सा ही इसको कम किए हैं नहीं तो पदार्थ से बहुत कम बहुत कम बहुत कम पेड़ पौधे और पेड़ पौधों से बहुत कम जीव जंतु हैं और सबसे कम आदमी है सबसे कम मानव है और सबसे ज्यादा घटा किसको हुआ है मानव को अब देखिए व्यवस्था चूंकि पदार्थ पेड़ पौधों को भी चाहिए पदार्थ जीव जंतुओं को भी चाहिए पदार्थ आदमी को भी चाहिए इसलिए धरती पर पर्याप्त है कम नहीं है एनफ है पेड़ पौधे जीव जंतुओं को भी चाहिए और पेड़ पौधे आदमी को भी चाहिए यह भी पर्याप्त है धरती पर कम नहीं है जीव जंतु आदमी को चाहिए ये भी पर्याप्त है कम नहीं है कम कहां है हमारे मानसिकता में कमी कहां है हमारे माइंडसेट में इस कमरे में कितने लोग बैठे हैं अस्सी लोग होंगे सत्तर अस्सी लोग जो भी हैं पचासी लोग अब इन पचासी लोगों को जितने हवा चाहिए उससे कई गुना हवा उपलब्ध है सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए चौबीस घंटे में हवा चाहिए और हवा इतना ज्यादा उपलब्ध है इतना ज्यादा उपलब्ध है आप बताइए अगर उसको आप खराब ना करें तो कमी है कुछ अस्तित्व में ब्रह्मांड में धरती पर कमी नहीं है कमी हमारी मानसिकता में है तो अभाव एक्चुअली मानसिकता है अभाव वास्तव में है नहीं अब लोग कहते हैं कि प्रदूषण को कम किया जाए जैसे एक विश्वनगर के शिविर में भी आया होगा कोई वीडियो आप देखे होंगे उसमें भी मैं बोला था कि दिल्ली में एक मित्र के साथ जा रहा था वो बोले कि दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम होगा हमने कहा कभी कम नहीं होगा बोले अरे ऐसे कैसे कहते हैं हमने कहा धरती का, का अनुपात देख लीजिए धरती पे सबसे ज्यादा पदार्थ उससे बहुत कम पेड़ पौधे उससे बहुत कम जीव जंतु उससे सबसे कम आदमी यही अनुपात है धरती का ये अनुपात जहां रहेगा वहां प्रदूषण कुछ नहीं समस्या है ये अनुपात जहां नहीं है वहां प्रदूषण के लिए आप कुछ नहीं कर सकते अब दिल्ली में क्या है जिधर देखिए उधर आदमी की मुंडी 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 है पेड़ पौधों के नाम पे गमले में पौधे हैं जीव जंतुओं के नाम के घरों में पट्टे से बधे हुए कुत्ते हैं तो ये जब संतुलन ही नहीं है ये अनुपात ही नहीं है तो वहां प्रदूषण क्योंकि एक दूसरे को पचाने की चीजें हैं। आदमी के जो भी हवा का पेड़ पौधे का जंतु का आदमी का है इनके एक दूसरे के विषैले चीजों को एक दूसरे को ये पचाते हैं आदमी के लिए जो विषैला है वो पेड़ पौधे पचाते हैं पेड़ पौधों के लिए जो विषैला है वो आदमी पचाता है हाँ जी नमस्कार जो आदमी के लिए विषैला है वो पेड़ पौधे पचाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए विषैला है वो आदमी पचाते हैं पशु पक्षी पचाते हैं अगर इनका रेशियो ही मेंटेन नहीं है तो इनका जो विषैला चीज है वो पचाने वाले ही नहीं है तो कहां से प्रदूषण कम होगा ये तो आपका आपके डिजाइन की फॉल्ट है कि सबको दिल्ली बुला लो रोजगार दिल्ली में ही मिलेगा सारी फैक्ट्रियां वहीं लगा दो सारी कंपनियां वहीं लगा दो ये तो आपके डिजाइन में फॉल्ट है फिर सारा ट्रांसपोर्टेशन का लोड उस पर डाल दो तो आदमी ही आदमी मुंडी ही मुंडी दिख रहा है फिर आप कहोगे प्रदूषण कम होगा कभी नहीं कम होगा आपको डिजाइन ही बदलना पड़ेगा स्मार्क टावर लगाएंगे फलाना लगाएंगे डिमाका लगाएंगे लगाते रहिए कुछ नहीं होगा जैसे वो भैया कह रहे थे ना लास्ट में स्मार्क टावर का भी साइड इफेक्ट आना शुरू होगा तो कुल मिलाकर के व्यवस्था को समझना व्यवस्था में जीना यही एक कार्यक्रम है व्यवस्था ऐसी है और यह ऐसी है गांव में प्रदूषण कोई समस्या नहीं है क्योंकि गांव में लगभग यह अनुपात मेंटेन होता है चारों अवस्थाओं का जो रेशियो है वो गांव में लगभग मेंटेन है इसीलिए वहां प्रदूषण कभी समस्या नहीं होगी समझ में आया क्या रेशियो को कोई मापने की आवश्यकता नहीं है बस इतना समझ सकते हैं कि पदार्थ सबसे ज्यादा उससे बहुत कम पेड़ पौधे उससे बहुत कम जीव जंतु और सबसे कम आदमी ये रेशियो है और है ही है ये सब जगह लगभग अब हम आदमी एक ही जगह सारे शिफ्ट कर दिए तो क्या करेंगे लोगों ने कहा कि कोरोना के बाद ये जो प्रवासी मजदूर जगह जगह से अपने अपने घरों को भाग के गए हैं अब ये नहीं लौटेंगे बहुत पीड़ित हुए हैं बहुत दुखी हुए हैं जैसे ही कोरोना का वेप कम हुआ सभी लोग फिर चले गए क्योंकि गांव में भोजन मिलेगा मैगी नहीं मिलेगा <laughs> और आदत किसकी पड़ गई है इसलिए गांव में नहीं रह सकते गांव में अनाज मिल जाएगा नोट नहीं मिलेगा अब आदत किसकी पड़ गई है नोट की इसलिए लोग भाग जा रहे हैं नहीं टिक सकते क्या क्या बोला आपने गांव में मैकी। नहीं मैगी के बाद दूसरा क्या बोला नोट 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 नहीं मिलेगा नोट नहीं मिलेगा करेंसी नहीं मिलेगी अनाज मिलेगा भरपूर करेंसी नहीं मिलेगी मैंने इतना अखबार टीवी इधर उधर सुनते रहते हैं पढ़ते रहते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में वास्तव में जो ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज का जो रूट है वो ये आपके इस वीडियो में मैंने भेजा सबको फिर हजार लोगों को भेजा मैंने ये हाँ। तो ये वाला जो है तो ये वास्तव में अद्भुत है कि गाँव में ये है, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम नहीं है और शहर में खाली मुंडी मुंडी दिख रही है आदमी की और आप बहुत बढ़िया रोचक तरीके से आपने बोला भी है कि अगर जानवर दिख रहे हैं तो खाली वो पट्टे से बंधे हुए कुत्ते दिख रहे हैं और पेड़ पौधे में वो गमले भी में 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 गमले गमले स्टेटस स्टेटस सिंबल हैं। आ, वो भी सिंबल है है आजकल आजकल वो भी और लग्जरी में आ गए जैसे गाड़ी है वो करते कुछ नहीं है बस उनको बताया जाता है कि डेढ़ लाख का है और इसके ऊपर हमारा महीने का बीस हजार का खर्चा है बिल्कुल ठीक बात है वो भी एक लग्जरी है स्टेटस सिंबल ही है तो बिल्कुल आपका सही कहना है बहुत सटीक है कि इस रेशियो को मेंटेन किए बिना कुछ भी कर लो आप एक शिविर खत्म नहीं होगा एक एक शिविर में एक सज्जन बड़ी अच्छी बात कहे बोले मैं और मेरी पत्नी अपने एक रिलेटिव के यहाँ ग्रेटर कैलाश में मिलने गए एक मित्र हमारे बोले कि मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग दिल्ली में मित्र हैं दिल्ली के मित्र हैं बोले हम दोनों लोग दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक रिलेटिव के यहाँ मिलने गए काफी दिन हो गया था तो हम लोग सोचे कुछ चर्चा करेंगे बोले एक घंटा बैठे रहे और उनके यहाँ एक नया कुत्ता आया था वो एक घंटा कुत्ते की चर्चा करते रह गए दूसरी चर्चा शुरू ही नहीं होने दिए डेढ़ लाख का है और इस नस्ल का है और इस पे पच्चीस हजार महीने का खर्चा है और इसको ये वाला शैम्पू लगता है और ये साधारण नहीं है इसको तो ए में रखना पड़ता है जय हो ठीक है मतलब कुत्ता भी उपयोगी जानवर है लेकिन उसका उपयोग जो जिस रूप में है उस रूप में है अभी ये स्टेटस सिंबल होता जा रहा है उस दिनों में फिर पति का भी ऐसे ही वर्णन नहीं होगा <laughs> <laughs> एक आपने ये जो बोला इसको समझाओ कि मानव के लिए जो जहर है हाँ। वो पेड़ पौधे और जानवर उसको पचाते पचा रहे हाँ। तो जैसे जो भी हमने मल छोड़ा वो मतलब हमारे आवश्यकता का नहीं इसलिए छोड़ दिया वो उनका भोजन हो गया उल्टा भी बोला आपने पेड़ पौधों के लिए जो जहर है वो मानव है, कैसे? उनका, उनका जहर है। उसको अच्छा, नहीं तो अपने अंदर रखते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार तरीका आपका समझाने का तभी तो संतुलन है भाई हमारे लिए ऑक्सीजन है उनके लिए तो जहर ही है ना तभी तो छोड़ रहे हो उनका हम पचा रहे हैं हमारा वो पचा रहे हैं हमारी सेटिंग है <laughs> इस सेटिंग को हम बिगाड़ रहे हैं इसलिए वो पचने वाला काम खत्म हो रहा है तो प्रदूषण फिर हवा में रुक रहा है जी बताइए आज कितनी बात हुई है कौन बताएंगे कोई फ्लो में बता सकते हैं कितनी बात हुई है लिख के डायरी देख के भी बोल सकते हैं पहला दिन है अभी छूट है नकल करने की <laughs> सुबह से कितनी बात हुई है और जितनी बात हुई है वो किसी फ्लो में हुई है या बिक्री बिक्री हुई है थोड़ा थोड़ा बीच में परीक्षा लेना जरूरी है नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट भैया मैं बताऊँ हाँ मतलब जितना लिखा हुआ है और जितना समझ में आया उसके हिसाब से एक बार आप इधर आ जाइए और खड़े होके बताइए थोड़ा इनको कैमरे में भी ठीक रहेगा तो और अपना नाम बताते हुए जी मुस्कान जैन भिलवाड़ा से हाँ ठीक है मैं बैठ जाऊँ क्या मैं सबके लिए बताइए बैठ जाए कि खड़े बताए यहाँ आना है अच्छा चलो यहाँ आके खड़े होके उधर मुंह करके बोलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा हाँ ठीक जी सबसे पहले जो शुरुआत में सबसे अच्छी चीज थी वो थी कि लड़ाई चल रही है लड़ाई दो लोगों में हो रही है हमें लगता है लड़ाई से प्यार बढ़ता है पर एक्चुअल में जब लड़ाई होती है तो खुशी किसी और को मिल रही होती है फायदा किसी और को हो रहा होता है तो लड़ाई से प्यार वगैरह नहीं बढ़ता है ये सिर्फ कहने की बातें होती है वो मतलब बर्तन होते हैं तो बजते ही है वो चीज़ थोड़ी सी समझ में आई सेकंड मतलब शुरुआत हुई थी कि प्रस्ताव मिलेगा यहाँ पे तो उसको मानना नहीं है उसको जानना है और जानने के तरीके थे स्वनिरीक्षण परीक्षण और फिर सर्वेक्षण और जानना जांचने से होता है जांचना तब होगा जब हम ऑब्जर्व करेंगे उसके लिए आपने जो एग्जांपल लिया था रसगुल्ले का बहुत ही सटीक गया था कि हम रसगुल्ला सुनते हैं पहले कि मीठा होता है फिर हम लोगों लोगों को खाते हुए देखते हैं फिर हम खुद भी खा के देखते हैं फिर हम लोगों को भी खिलाते हैं उससे पता पड़ता है कि फिर सिद्ध होता है कि हाँ एक्चुअल में मीठा होता है और उसके बाद जीकर देखना है वो कार्य में भी होगा व्यवहार में भी होगा फिर दोनों में संतुलन होगा रूप बल धन पद की बात हुई थी तो रूप आकार आयतन और घनत्व के अंदर लिमिटेड होता है और बल में बलशाली ही जिएगा ये ये भी बहुत सही समझ में आया कि हम सुनते हैं कि हमेशा बलशाली ही जिएगा तो बलशाली होना बहुत ज़रूरी होता है पर उससे वहाँ दूसरी चीज़ क्लियर हुई कि बलशाली होना तब जरूरी होता है जब हमें संबंध की पहचान नहीं होती है जब हमें संबंध की ये पहचान नहीं होती कि जब हमें किसी संबंधी के साथ ही रहना होता है तब वहाँ पे बलशाली होने की ज़रूरत नहीं रहती है तो बलशाली होना जरूरी नहीं है संबंध की पहचान होना जरूरी है वो चीज़ समझ में आई उसके बाद स्वयं में तनाव मुक्ति स्वयं में समाधान होना फिर परिवार में कलेश कलेश से मुक्ति समाज में भय से मुक्ति और प्रकृति में संतुलन ये चारों ही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलेगी फिर था कि समाज प्रचलन को ही स्वीकारता है अगर अपन की कोई अच्छी बात करे या जाके कोई उद्देश्य दे उनको या बताए ऐसे 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 होता है तो समाज नहीं स्वीकारेगा जैसे जैसे अपन आचरण में लाते जाएंगे जैसे जैसे चीजें प्रचलन में आते जाएगी तो ही समाज उसे स्वीकारेगा नहीं तो नहीं स्वीकार पाएगा और एक वो प्राकृतिक संसाधन ही धन है Uh, मतलब हमें अभी तक और हमारी मतलब मेरी एज में ऐसा होता ही है कि हमें लगता है कि पैसे कमाने हैं पैसे कमाने हैं uh, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए पर अभी समझ में आया कि धन इतना ज़रूरी नहीं है ऑलरेडी प्राकृतिक संसाधन जो अवेलेबल है वो ही अपने आप में धन है अगर हम उनका सही से उपयोग करेंगे तो फिर वो धन कमाने की उपयोग मतलब वो जो नीड है वो अपने आप थोड़ी थोड़ी करके कम होती जाएगी या वो ऐसा कहे कि लोभ कम होता जाएगा और उसके बाद था नोट बढ़िया बनाए <coughs> मुस्कान नोट अच्छा बनाए बल के लिए जो बताया था कि बल कहीं ना कहीं जरूरी है कि जो श्रम मानव को कोई भी चीज मिलेगी सुविधा मिलेगी वो श्रम से ही मिलेगी और श्रम के साथ स्किल होना जरूरी है फिर समझदारी और ज़िम्मेदारी की समझदार और ज़िम्मेदार होना कैसे है तो समझदारी मेरे लिए जरूरी है और ज़िम्मेदारी दूसरों दूसरों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ या दूसरों में जो योगदान दे पाऊँ उसके लिए जरूरी है समझदारी मैं स्वयं को पहचान पाऊँ मैं क्या हूँ क्यों हूँ और कैसे हूँ और ज़िम्मेदारी मैं परिवार को पहचान पाऊँ समाज को पहचान पाऊँ प्रकृति को पहचान पाऊँ फिर उन तीनों में ये वापस क्वेश्चन कि परिवार क्या है क्यों है और उसमें करना क्या है कैसे है उस उनमें भी वापस यही तीन क्वेश्चंस पर 20 हम 20 से ज़्यादा साल की ही देते हैं 20 साल तो अप्रोक्स होता है इतनी हम शिक्षा देते हैं इन इन चीज़ों को समझने के लिए या आउटकम पाने के लिए पर एट लास्ट आउटकम निकलता है अविश्वास तनाव भय या क्लेश मतलब एक्चुअल में जो आउटकम चाहिए होता है वो शिक्षा से अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है हम आ, मतलब जो स्कीम्स बन रही है कि आत्मनिर्भर भारत और ऑल उसमें यह समझ में आया कि पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाना है जैसे जैसे हम खुद आत्मनिर्भर बनते जाएंगे तो वो कलेक्टिवली एक देश मतलब देश आत्मनिर्भर बन पाएगा पहले खुद आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश में आत्मनिर्भरता आएगी और फिर शिक्षा क्यों है तो शिक्षा क्यों है उसमें दो चीज़ें निकली एक तो सुविधा के लिए ज़रूरी है और और ख़ुशी के लिए चाहिए तो सुविधा के लिए इसलिए चाहिए जैसे अगर सुविधा चाहिए तो सुविधा कैसे मिलेगी श्रम से मिलेगी श्रम के लिए हमें कोई एक स्किल आनी चाहिए इसलिए और दूसरे लेवल पे खुशी खुशी कैसे मिलेगी तो वो समझ से मिलेगी तो हम सुविधा पाने के लिए तो सब कर रहे हैं शिक्षा हमें सब सिखा रही है पर खुशी कैसे मिलनी चाहिए उसके लिए शिक्षा अभी तक तो कुछ सिखा नहीं पा रही है तो सिर्फ एक ही चीज़ मतलब एक ही पलड़ा हम बढ़ाते जा रहे हैं दूसरे पलड़े पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसलिए कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है ऐसा कह सकते हुए चल रहे हैं <laughs> 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 फिर ये था कि दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकता निर्धार आवश्यकता का निर्धारण कर पाना ही मेरी योग्यता होगी फिर सुविधा से सुख नहीं मिलेगा और सा, सामान से सम्मान नहीं मिलेगा फिर उसके बाद पदार्थ पशु पक्षी पेड़ पौधों और मानव तीनों मतलब चारों अवस्थाओं की जो हारमोनी थी पदार्थ आ, मात्रा विधि से अपने आप को प्रमाणित कर ही रहा है पेड़ पौधे बीज विधि से कर रहे हैं और पशु पक्षी वंश पर, वंश परंपरा से अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं पर मानव शिक्षा और संस्कार विधि से प्रमाणित करेगा या ज्ञान अवस्था ज्ञान के रूप में प्रमाणित करेंगे जो अभी कहीं ना कहीं शेष छूट रहा है प्रोसेस में चल रहा है और मानव नियंत्रित ज्ञान से होता है किसी नियम या कानून से नहीं होता है तो वो स्वनियंत्रण से ही होगा स्वानुशासन से ही होगा जैसे जैसे खुद में रियलाइजेशन होगा खुद में नियंत्रण आएगा तो ही नियंत्रण होगा किसी और के समझाने से या किसी और के ये बताने से ऐसा करो ऐसा मत करो तो उससे कुछ हो नहीं रहा इतने सालों से चल ही रहा है वो और लक्ष्य <laughs> लक्ष्य <दंकर। laughs> लक्ष निश्चित होता है तो कार्यक्रम निश्चित होता है और कार्यक्रम निश्चित होता है तो संबंध निश्चित होता है ये चीज़ अपने आप में क्लियर हुई कि जब हम लोगों मतलब एक तो खुद के लेवल पे देखें तो भी समझ में आता है और आपस में देखें तो भी समझ में आता है कि अगर हमारे लक्ष्य एक जैसे होंगे या लक्ष्य अपने आप में पता पड़ जाएगा तो हम कार्यक्रम डिसाइड करेंगे या प्रोसेस डिसाइड करेंगे स्टेप्स डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे करना है फिर उसके बाद अपने आप ही संबंध भी बराबर में पहचानने में आएंगे और निश्चित हो ही जाएंगे और ये एक और चीज़ थी कि पेड़ पौधे जो है वो अनुकूलता न मिलने पर ख़त्म हो जाते हैं या पशु पक्षी जो है वो अनुकूलता के लिए प्रवास प्रवास कर लेते हैं यहाँ से कहीं और चले जाते हैं पर मानव जो है वो अनुकूलता नहीं मिलती है तो अनुकूल वातावरण खुद बनाता है और अनुकूल वातावरण बनाने के बाद उन्हीं चीज़ों में अपनी क्रिएटिविटी भी लगाता है कि ऐसा नहीं खाना है तो इसमें और खुशी कैसे मिल जाए इसको और कैसे अच्छा टेस्टी बना सकते हैं या ऐसे घर के बजाय घर और कैसा अच्छा हो सकता है एयर कंडीशन ये सब और पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है उसके बाद पेड़ पौधों की थोड़ी कम होती है जीव जंतु की उससे कम होती है और आदमी की सबसे कम होती है क्योंकि पदार्थ की नीड तीनों अवस्थाओं को चाहिए होती है तो वो तीनों के लिए ज़रूरी होता है तो उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है फिर पेड़ पौधों की दोनों अवस्थाओं को चाहिए ऊपर वाली को इसलिए उनकी थोड़ी कम है फिर जीव जंतु की और थोड़ी कम है क्योंकि वो सिर्फ आदमी के लिए चाहिए <coughs> और आदमी की सबसे कम है क्योंकि आदमी इन तीनों को ही इन तीनों से ही लेता है एक्चुअल में दे मतलब देना वो प्रोसेस में अभी नहीं चल रहा मेरे हिसाब से इतना ही समझ में बस इतना ही बहुत बढ़िया हाँ जी तो एक बार मुस्कान ने सुबह से जितनी क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम पे आए थे तो एक बार जो है एक फ्लो में जितनी बातें सुबह से हुई थी उसको एक बार जो कहते हैं ना कि रिकैप तो रिकैप हो गया कि क्या क्या बात आज हुई थी अब इन बातों में किसी को अगर लगता है मुस्कान से कुछ छूट गया है तो वो जोड़ सकते हैं और अगर लगता है कि इसमें कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी कर सकते हैं हाँ जी कुछ जोड़ेंगे भैया जैसे शिक्षा का उद्देश्य आपने बताया कि स्वयं परिवार में 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 समृद्धि लगभग रिलेट यही था आपने समाज अभयता और प्रकृति संतुलन और वर्तमान शिक्षा को अगर मैं जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो अभी लक्ष्य कुछ दिखता नहीं है अभी देख देखता हूँ जैसा लगता है स्वयं तनाव मुक्त हूँ परिवार में क्लेश है समाज में भय है और प्रकृति असंतुलित है तो अभी जो आपने शिक्षा का लक्ष्य लिखा मतलब जो वर्तमान शिक्षा का लक्ष्य तो मुझे वो दिख रहा है जो वर्तमान शिक... शिक्षा से उपलब्धि है हाँ, वर्तमान एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा है हाँ, कि चार जगहों पे उसका संतुलन होगा हाँ, तनाव में कलेश में में भय और प्रकृति में अभी तो वर्तमान शिक्षा से लगता है कि ये चीजें और प्रोड्यूस हो रही है मैं तनाव मुक्त हो रहा हूँ तो हम चर्चा कर रहे हैं इस हाल में बैठ के नहीं तो चर्चा ही क्यों करते तभी तो अभी मतलब पता ही नहीं था कि मतलब ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गए लक्ष्य क्या है शिक्षा का जब यहाँ पर भूमिका देखिए फिर हाँ अब भूमिका में मतलब भैया थोड़ा देख पा रहे हैं और जैसे शिक्षा में दो क्लियर किया ही है अपने सुविधा और सुख वाला तो जैसे सामान से सुख वाले पे काम लगातार कर ही रहे हैं और यहाँ आके पता ही चला है कि सुविधा <coughs> से सुख मिलने वाला है ही नहीं। नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है सुविधा से सुख मिलता है लेकिन निरंतर वाला मामला नहीं है इधर नहीं तो फिर अब नेगेटिव चीज चली जाएगी हाँ। सुविधा से सुख मिलता है लेकिन हमको सुख कितना चाहिए निरंतर हमेशा सुविधा से हमेशा वाला मिल नहीं सकता लेकिन अगर हमको भ्रम हो गया है कि सुविधा से ही हमेशा वाला मिल जाएगा तो फिर हम गलत लाइन पर हैं, फॉल्ट लाइन पर हैं, कहीं दुर्घटना हो जाएगी अभी तो भैया ऐसा ही चल रहा है हाँ बस तो वो होगा नहीं उससे बस इतना ही है तो इतना भी अगर पता चल जाता है कि सुविधा से जैसे हमको भूख लगी है और हमको खाना मिल गया तो हमको थोड़ा खुशी तो होते ही है लेकिन उसके बाद फिर नहीं होते फिर कुछ और चर्चा करते हैं फिर नए तरह के खाने की चर्चा करते हैं इसका मतलब उससे वो वाला सुख तो पूरा हमारा हो नहीं पाएगा अगर उसमें हम कोशिश करेंगे तो हम कहीं जाके गड्ढे में गिरने वाले सामान से सम्मान तो होता ही नहीं है क्योंकि सम्मान हमको असीमित चाहिए अच्छा देखिए कोई भी सुविधा जो है डायमेंशन में माने लंबाई चौड़ाई मोटाई में और संख्या में सीमित ही होगी धरती पे। जैसे कार को अगर देखें तो कार की एक लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है रंग होता है और उनकी संख्या भी धरती पर निश्चित है तो अगर धरती की सारी कारें आपको मिल जाएं तो भी असीमित नहीं होंगी और आपको सुख कितना चाहिए असीमित और आप कहां ढूंढ रहे हैं कार में <laughs> यही से समीक्षा हो जाएगी अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यही से समीक्षा हो जाएगी कि धरती की सारी कारें अगर एक ही आदमी को मिल जाए तो भी असीमित नहीं होंगी वो इसलिए उससे असीमित सुख होगा ही नहीं से है। से मिले। हाँ हाँ सम्मान के साथ पहचान और सम्मान हाँ, वो पहचान को ही सम्मान बोल दिया एक्चुअली क्या है कि पहचान को जो है आदमी जानता नहीं है जैसे आदमी पहचान के लिए काम करता है पहचान से सम्मान को जोड़ दिया है हाँ जी पहचान को सम्मान से जोड़ दिया है ठीक अब पहचान क्या चीज है तो मेरी उपयोगिता ही मेरी पहचान है इसको जांच के देखिए आप लोग मेरी उपयोगिता ही मेरी पहचान है जैसे मैं आपके बीच में ये सेशन को कंडक्ट करने के लिए आया हूँ तो मैं उपयोगी हो रहा हूँ यही मेरी पहचान है अगर ये ज्ञान ये समझ ये संवाद कराने की मेरी योग्यता है और मैं कर ही नहीं रहा हूँ तो यानी मेरी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो रही यानी मेरा पहचान ही नहीं है फिर तो मेरी उपयोगिता ही मेरी पहचान है किसके लिए स्वयं के लिए परिवार के लिए समाज के लिए प्रकृति के लिए यही चार जगह जगह हमको उपयोगिता को प्रमाणित करना है तो मेरी स्वयं के लिए उपयोगिता मेरी स्वयं के लिए उपयोगिता अपने भाव और विचार की निश्चितता ही है भाव की स्थिरता विचार की निश्चितता ही है जिसको हम तनाव मुक्ति बोलते हैं मेरी परिवार के लिए उपयोगिता कलेश मुक्ति है यानी परिवार में हारमनी पूर्वक तालमेल पूर्वक जीना ही मेरी परिवार के लिए उपयोगिता है समाज के लिए उपयोगिता तो समाज में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को समझ करके उस व्यवस्था में जीना ये मेरे लिए समाज की समाज में मेरी उपयोगिता है वैसा करता हूँ वही मेरी पहचान है नहीं करता हूँ मेरी पहचान नहीं है फिर सम्मान के कितने भी तोतलेबाजी कर लीजिए नहीं पूरा होगा क्योंकि आपकी उपयोगिता ही आपकी पहचान है वही सम्मान है मेरी प्रकृति के लिए उपयोगिता तो मैं प्रकृति के लिए पूरक हो पाता हूं यही मेरी प्रकृति के लिए उपयोगिता है यही मेरी पहचान है यही मेरा संतुलन है यही मेरा सम्मान है तनाव मुक्त विचारों में समाधान युक्त कह सकते हैं तनाव मुक्त या विचारों में समाधान युक्त अगर मेरे विचार में समाधान है तभी मैं स्वयं के लिए उपयोगी हो पाऊंगा अगर विचार में समाधान नहीं है समस्या ही समस्या है तो मैं स्वयं के लिए ही उपयोगी नहीं हो सकता हाँ जी जैसे सर आपने अभी बताया कि मतलब हमने अभी जाना है कि ये ना सुविधाओं से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती जो हमें निरंतर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती तो हमें यह तो पता चल गया कि सुविधाओं से निरंतर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती लेकिन निरंतर सुख की प्राप्ति कैसे होगी जैसे हमें पता है गड्ढों में गड्ढों की तरफ जाना रास्ता नहीं हाईवे है जो जल्दी पहुंचे तो हाईवे किधर से मिलेगा हमें ये कैसे पता चलेगा अभी तो शिविर शुरू हुआ है अभी चार दिन बाकी है <laughs> <laughs> कल से नहीं आना है क्या <laughs> आना है लेकिन जितना जल्दी हो सके पाँच तो। दिन में इससे लगता है कि इतना बस बस। सब कुछ थोड़ा पीड़ा बढ़ाइए अभी ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत सब आएगा खुलेगा जाए, दिन में खुलेगा पांचवें दिन के अंत में आप बोलेंगे तब आप जो अपनी समीक्षा रखेंगे वो स्पष्ट होगा क्योंकि क्या है ना जो ईंट रखी जाती है दीवार बनाने के लिए तो ईंट उसके ऊपर ईंट उसके ऊपर ईंट ऐसे करके रखी जाती है एक ईंट नीचे लगा करके फिर तुरंत ईंट ऊपर नहीं लगा सकते सही है सही है तो धीरे धीरे आएगा सारा जी भैया एक आपने सुबह बोला था तो मैं कुछ और सोच रहा था बहुत बढ़िया बात बोली थी कि जैसे विकास के नाम पे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है नए नए सामान बाजार में आ रहे हैं नई नई सुविधाएं आ रही है वैसे वैसे हवा जहरीली हो रही है मिट्टी जहरीली पानी जहरीला हो रहा है और संबंध जहरीला हो रहा है ऐसे क्या बोला था आपने संबंध में क्लेश आ रहा है संबंध में असंतुलन हो रहा है हम्म मतलब पूरी दुनिया में विकास के नाम पे जो नया नया कुछ हो रहा है आविष्कार ये इससे प्रदूषण बढ़ रहा है हवा प्रदूषित पानी प्रदूषित मिट्टी प्रदूषित संबंधी प्रदूषित हो रहे हैं लाइन वो थी कि विकसित राज्य किसे कहते हैं जहाँ का हवा खराब पानी खराब मिट्टी खराब संबंध खराब देश किसको विकसित देश किसको कहते हैं जहाँ हवा खराब मिट्टी खराब पानी खराब संबंध खराब हाँ ये मैं, ये आपका जो लहजा है ना समझाने का मैं वो नहीं पाया। class, <laughs> कि ही रहे हैं, बाद में देख लेंगे <laughs> <laughs> नहीं, का आपने कि सबसे ज्यादा शुद्धतम पानी हवा मिट्टी मनुष्य को चाहिए जानवर को इतना नहीं चाहिए जानवर तो गंदा पानी पी के जिंदा रहता ही है वो उसके अंदर ऑटो सिस्टम है शुद्ध हो जाता है और पेड़ पौधों के अंदर हम, भी हम पीने लग जाए तो शाम तक ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे हाँ तो सबसे शुद्धतम हमको चाहिए सबसे कम इम्यूनिटी हमारी है ये कोरोना ने भी साबित किया और फिर भी सबसे ज्यादा प्रदूषित भी हम ही कर रहे हैं इसीलिए कच्चा खाने का जो प्रचलन खत्म हो गया हम ज्यादातर चीजें आग पे पका के खाते हैं कच्ची चीजों में पानी होता है और वो पानी देखिए कैसा पानी होता है वो मिट्टी का वही पानी पौधा खींच करके उसको शुद्ध कर देता है और वो पानी उसके अंदर होता है वो पानी जब कच्ची चीजें हम खाते हैं तो वो पानी मेरे शरीर में जाता है अभी जब हम पका देते हैं तो पानी तो सारा जला देते हैं इसलिए इस समय नेचुरोपैथी वगैरह में कच्चा खाने को बार बार कहा जा रहा है और कुछ बीमारियां जैसे थायराइड वगैरह हैं इसको तो नेचुरोपैथी कहती है कि केवल एक टाइम सुबह के नाश्ते में आप कच्चा खाना शुरू करिए तो भी ये कंट्रोल रहेगा नहीं तो दवा खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं रहता तो कच्चा इसीलिए क्योंकि उसके अंदर पानी होता है लाइव उस पानी में मिनरल्स होते हैं वाइटमिन हम तो जला दिए ना जब पका दिए जैसे सब्जी कौन सी अच्छी है जो खूब भून दी गई हो अब भून दिए तो बचा क्या उसमें स्वाद ही बचेगा केवल तो तेल का स्वाद खाते हैं आप उसका स्वाद तो खाते नहीं है मसाले का स्वाद खाते हैं सब्जी तो खत्म हो गई इसमें तो इसलिए सौधापन उसका खाते हैं आप, आप सब्जी नहीं खाते इसलिए कच्चा खाने के लिए बार बार कहा जाता है कि आप खीरा खाइए गाजर खाइए ककड़ी खाइए कच्चा पत्ता गोभी कच्चा खाइए ये सब कहते हैं खाने के लिए चुकंदर खाइए रसीली चीजें खाइए ठीक है तो सब्जियां जैसे फल दो तरह के होते हैं कच्चे और पके कच्चे फल को सब्जी बोलते हैं पके फल को फल बोलते हैं तो ये सूरज में पकी हुई चीजें हैं इसलिए इनके अंदर ज्यादा पोषणीयता होती है आग की खोज बाद में आदमी किया था इसलिए आग पे पकी हुई चीजें इतनी तुम आए थे तो हमारे तो तो जो मित्र नए नए बने अभी कमलेश कच्चारा जी तो इनका ये मार्बल का काम है तो मैं इनके ऑफिस गया तो ये कच्चा खा रहे थे बोले यार मैं जब से कच्चा खा रहा हूँ मेरे तो डायबिटीज की इनके या इनके पार्टनर की गोली बंद हो गई किसी की बीपी बंद हो गई तो आजकल हम वो प्रयोग ही कर रहे हैं अभी शिविर में तो नहीं हो पाता बाकी ये कॉन्फिडेंस आ गया इस जिंदगी में बिना टैबलेट के चलेंगे बच्ची भी जिंदगी स्प्राउट्स भी कच्चा ही है मतलब कच्चा वो एक तरह से जब अंकुरित हो जाता है तो पौधे के रूप में ही है उसको भी ले सकते हैं उसकी सब्जी बना खा सकते हैं खैर ये शिविर आहार पे नहीं है <laughs> तो जो आप पानी की चर्चा की है उससे समझ में आया कि जो आप देखिए गाय या भैंस कौन सा पानी पीती है पोखरे का तालाब का भाई चरने गई कहीं कहीं पी लेती है लेकिन उसका दूध हम पीते हैं हम बीमार नहीं पड़ते क्योंकि उसके अंदर प्रोसेस हो जाता है वो मतलब उसकी ग्रंथियों से वो सारी चीज़ें फिल्टर होकर जब ग्रंथियों से श्राव होता है भाई जो दूध का श्राव हुआ उसमें कुछ पानी तो होगा ही ना जो उसने पिया है लेकिन वो फिल्टर हो जाता है उसके अंदर ही मशीन लगी हुई है हमारे में वो मशीन नहीं है या आप कमजोर हो चुकी है काम नहीं कर रही है पेड़ पौधों में भी सारा फिल्टर लगा हुआ है वो गंदे पानी में भी उगा हुआ सब्जी उसके अंदर बहुत ही अच्छा तरल पदार्थ होता है जिसको हम खाते हैं बसरते ऊपर से स्प्रे अब तो कच्चा इसलिए नहीं खाते हैं अभी मैं पिछले साल गांव गया तो मटर का जो मटर का जो पौधा होता है तो उसकी जो ऊपर की फुनगी कहते हैं हमारे आपके क्या पता नहीं क्या कहते हैं जो ऊपर का एकदम सॉफ्ट वाला पत्ती होता है तो उसको मैं तोड़ के जैसे मुंह के पास ले गया चाचा जी हमारे बोले अरे छोड़ो मत खाना हम क्या हो गया खाना वर्जित हो गया है क्योंकि स्प्रे हो रहा है सब पे नहीं नाले, नाले के पानी से सब्जियां उगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता वो देखिए पेड़ पौधे जो अपने से खींचेंगे ना वो साफ ही खींचेंगे वो खराब चीज कैसे खींचेंगे तो जल जाएंगे पौधा ही जल जाएगा आप क्या अगर उस पानी के अंदर का केमिकल वो खींचेगा तो तो पौधा ही जल जाएगा वो नहीं खींचता है वो नहीं खींचेगा और अगर मान लीजिए उसमें उसकी पोषणीयता है ही नहीं केवल केमिकल है तो खींचेगा तो जल जाएगा खत्म हो जाएगा वो वो अपने अनुकूल ही चीजों को एब्जॉर्ब करता है टेस्ट में बदलाव पानी वो क्लाइमेट का असर तो पड़ता है ना टेस्ट में बदलाव आता है कुछ हमारे मानसिकता में भी आ गया ना नाले के किनारे का है। आप बताइए मानव मल से ज्यादा गंदी कोई चीज है जबकि मानव सबसे अच्छी चीजें चुन चुन के खाता है लेकिन वो सबसे अच्छी खाद है तब आप कहेंगे उससे उगी हुई खाएं कि ना खाएं हाँ वेजिटेशन होता ही नहीं फिर वहां खत्म हो जाता जल जाता है उगता ही नहीं वहां कुछ सब जल जाता है इसीलिए तो उसको बाहर फेंकने से मना करते हैं जैसे जो एस वगैरह आजकल लगा रहे हैं बड़े बड़े संस्थाओं में तो उसमें क्या करते हैं जो एस का नीचे का सिल्ट बैठता है उसका फिर निकालते हैं और उसका बिस्किट डालते हैं पौधों के अंदर ले जा ले जाके वो मल ही तो है तो उसका पौधा खाया जाए कि ना खाया जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है उसके अंदर की पोषणीयता ही वो लेगा जो उसका शोषण करेगा उसको लेगा नहीं लेगा तो खत्म हो जाएगा जी अब केमिकल लगे हुए हैं तो उसको फिर खाने के लिए पहले वो बाहर से जो स्प्रे करते हैं वो उसको खींचा नहीं अंदर वो उसके पत्तों पे चिपक गया है तो उसके धुलने का जो भी प्रोसेस है अब क्या किया जाए मतलब जब स्प्रे हो ही गया है तो उसको बहुत सारे तरीके लोग बताते हैं कोई बोलता है विनेजर से धुलिए कोई बोलता है गर्म पानी से तो जो भी विधि हो अपना लीजिए मतलब चूंकि उसको धुलना तो जरूरी है हाँ जी पूरा शिविर आहार पे चला जा रहा है तो आज का पूरा किया जाए सभा का निर्णय हाँ जी कोई प्रश्न हो तो लेते हैं नया कंटेंट नहीं शुरू करेंगे प्रश्न प्रश्न नहीं है भैया इसी में मैं थोड़ा सा जोड़ता हूँ कि अभी वो दीदी बता के भी कई आपने बताया कि पेड़ पौधे वो सर्वाइव करने के लिए वहीं पे रहते हैं हमने और वहाँ पर कुछ मिलता है तो उसे सर्वाइव करते रहते हैं नहीं मिलता तो जल जाते हैं पशु पक्षी हैं वो सर्वाइव करने के लिए वो मार्केट हाँ शिफ्टिंग भी करते हैं वो आर के लिए भी करते हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी करते हैं और फिर मानव है वो शिफ्टिंग नहीं करता उस इन्वायरमेंट को वहीं ऐसा विकसित कर लेता है अपनी कल्पनाशील से जैसे भी मान लो और वो क्रिएटिविटी या कला उसमें इसलिए लगाता है कि वो उसमें कहीं ना कहीं सुख ढूंढता है वो इसलिए वो पशु पक्षी से मानव इसलिए भिन्न है कि वो वो सुख भी चाहता है उसमें खाली वो अपनी सर्वाइव के लिए नहीं करता उसमें सुख भी ढूंढता है ऐसा में थोड़ा बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि पशु पक्षी जो हैं वो जीने की आशा के साथ हैं उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए केवल अपनी जिंदगी को बचाए रखना मानव केवल जिंदगी बचाने के लिए प्रयासरत नहीं है वो सुखपूर्वक जीना चाहता है उसके लिए प्रयासरत पेड़ पौधे जो हैं वो उनका क्या है कि वो केवल अपने वंश परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं अपने बीज परंपरा को अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं देखिए पेड़ पौधों में जीव जंतुओं में एक समानता है पेड़ पौधे भी अपनी बीज परंपरा को बनाए रखते हुए अपनी प्रजाति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं जीव जंतु भी यही करते हैं अपने को जिंदा रखते हुए अपनी वंश को बढ़ाना चाहते हैं। मानव में ये नहीं है मानव सुख को सुनिश्चित करना चाहता है भले उसको दुनिया को खत्म कर देना पड़े सबको मार देना पड़े मारा ही है लोगों ने लाखों लाखों की संख्या में कत्ल कर डाले किस लिए किसी सुख की अपेक्षा में जी नमस्कार किया जाए